नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज कुंभ पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ प्रकाश। प्रयागराज के संगम तट पर लगे आस्था के कुंभ में भक्ति, ज्ञान और कर्म की अद्भुत त्रिवेणी बह रही है। इस त्रिवेणी की एक धारा है अखाड़ों के ऐसे गाथा गायक साधु, जो अखाड़ों को उनके इष्ट भगवान शिव की कथा सुना रहे हैं। मोर पंखों और भोले भंडारी के खास श्रृंगार से सराबोर ये जंगम साधु अखाड़ों की शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। भगवान शिव के अभिशाप के बाद खुद शिव द्वारा उत्पन्न किए गए ये जंगम साधु गृहस्थ होते हुए भी अपने सर पर शिव परिवार सजाए ये सन्यासी शिव की कथा सुनाकर कुंभ में भक्ति की गंगा बहा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास सर पर भगवान शिव का नाम और कानों में पार्वती के कुंडल और बिंदी और मोर पंख के श्रृंगार से सजे शिव की गाथा गाकर अखाड़ों के नागा साधुओं में शिव नाम की अलग जगह रहे इन शिव भक्तों को शिव जंगम कहा जाता है। इनके और अखाड़ों के बीच अगर एक समानता ये है कि दोनों शिव के उपासक हैं, तो दोनों में फर्क ये है कि ये जंगम शिव भक्त अखाड़ों को शिव जी की कथा सुनाते हैं, अखाड़ों की तरह उपासना पद्धति को नहीं अपनाते। हम शिव विभाग आते हैं और शिव जंगम है हम, और शिव का ही प्रचार करते हैं। शिव का ही गुणगान करते हैं। कुंभ में या अर्धकुंभ में ही आते हैं, बाकी समय कहाँ रहते हैं आप? हाँ, बाकी समय टाइम टाइम पर हैं जी, बताइए। हाँ, अखाड़ों में जाते हैं, बाकी समय में हम जी ठीक साधुओं के संग में रहते हैं जी। जो न अखाड़े में हम जो हैं उठते हैं, हम शिव जी का ही गुणगान करते हैं बस, यही हमारा यही धर्म है, यही कर्म है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती की शादी के बाद जब शिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा को दान देना चाहा, तो उन्होंने दान लेने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर भगवान शिव ने अपनी जंघा को क्रोध में पीटकर उससे साधुओं के एक संप्रदाय को पैदा किया, जिसको नाम दिया गया जंगम साधु। हम जंगम हैं और 10 नाम के पुरोहित हैं हम, और जिस समय माता और शक्ति भगवान शिव की शादी हुई राजा हिमाचल के घर, उसके हम कथा सुनाते हैं और उसके प्रचार करते हैं। हम जंगम हैं, अखाड़ों का भी प्रचार करते हैं और साधुओं को कोई हमारी जो मतलब साधुओं की वाणी है वो भी बताते हैं, पढ़ते हैं हम, और सब भगवान शिव की कथा भी करते हैं, जागरण भी करते हैं भगवान शिव। कौन सा रंगरंजनी? यही जंगम साधु आज भी इसी वजह से सन्यासी अखाड़ों के पास जाकर शिव की कथा सुनाते हैं और उनसे मिले दान से अपनी जीविका चलाते हैं। दशनाम अखाड़ों के भाट हैं, जो अपनी अलग अनूठी अभिनय संवाद शैली में अखाड़ों की गौरव गाथा के साथ ही शिव की कथा भी अत्यंत रोचक तरीके से सुनाते हैं। और क्या क्या वाणी बनते, क्या क्या वाणी। इनका काम दशनाम संन्यास की परंपराओं का गुणगान करना है। ये पूर्वजों से लेकर अब तक की कहानी गेय शैली में इस तरह कहते हैं कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध होकर बस सुनता ही रह जाए। और क्या क्या वाणी बनते, क्या क्या वाणी। गोरे गोरे अंग में बाल कसे बोले।
एक अखाड़े से दूसरे अखाड़े में घूमते कथा सुनाते जंगम साधुओं का ये क्रम वैसे इनका मकसद संतों में ही नहीं श्रद्धालुओं के बीच भी अखाड़ों के गौरव को परिचित कराना है। गोरे गोरे अंग में बालक से बूढ़े बालक से वो और बूढ़े बने कई बूढ़े बने कई एक नाग दा दूसरे नाग दी तो पता सका मम बोले। दशनाम अखाड़ों का गौरव गान करना जंगम साधुओं के पुरखों की परंपरा से चला आ रहा है। इनका मकसद सिर्फ संतों को ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के बीच भी अखाड़ों के गौरव से परिचित कराना है। ये सिर्फ मेलों में ही आते जाते हैं, बाकी दिनों में किसी धार्मिक स्थान पर भ्रमण करते हैं। जंगम संप्रदाय के देश भर में करीब 5,000 गृहस्थ संत हैं। वे देश भर के अखाड़ों में घूमते हैं और वहाँ शिव का गुणगान कर दान लेते हैं। सबसे ज्यादा संख्या पंजाब और हरियाणा में है। प्रयागराज कुंभ को लेकर हमारी इस खास प्रस्तुति में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे कुंभ से जुड़ी कुछ नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।